हेलो माई डियर सी एर इंटर स्टूडेंट्स हु गेव देयर एग्जाम्स इन नवम्बर ट्वेंटी थ्री आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा मुराल ऊपर नीचे है ग्रुप टू रिजल्ट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन एंड काफ़ी टाइम तक बच्चे थोड़े कन्फ्यूज भी रहे इन द ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस की कभी स्किप करने का मन होता था कभी अटैम्प्ट देने का मन होता था बट आई नो दैट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत दिल से अटैम्प्ट दिया एंड स्टिल

All right, but I've edited the name and roll number and stuff. अब देखिए, first example, seventy one in audit, highest in group two ये देख लीजिए मार्क्स आपके सामने। All right, seventy one in audit, as you can see. Now if we just move ahead, group two of C A enter का ये result, sixty seven in audit, again चारों सब्जेक्ट में highest है। I hope you are realizing what I am trying to tell you. अरे सर ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे सर इन्होंने तो दूसरे सब्जेक्ट में भी एग्जामिनेशन स्कोर किए सर देन इन दैट केस व्हाट इफ आई शो यू दिस मार्कशीट ये देखिए धीरे-धीरे और एक सुपर मार्कशीट दिखाना भी, भी बाकी है ये चार सब्जेक्ट में सेकंड हाईएस्ट इन ऑडिट है इनकी मार्कशीट में एंड इफ यू एनालाइज आपको पता चलेगा एग्रीगेट को पुशअप करने में काफी हेल्प की है थर्ड एग्जांपल इज आल्सो द सेम एंड लुक एट दिस फोर्थ एग्जांपल पहले एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन था मतलब कि नवंबर ट्वेंटी थ्री में दे आर गिविंग दिस स्टूडेंट वाज गिविंग थ्री पेपर्स एंड फिफ्टी फाइव फोर्टी फोर्टी थ्री है ना ऑडिट ने बचा लिया ना एंड नाउ कम्स मार्कशीट दैट इज गोइंग टू मोटिवेट यू फॉर श्योर फिफ्टी फाइव इन ऑडिट एंड एमो में है एंड टोटल इज टू लुक एट दिस बचाया कि नहीं बचाया ऑडिट ने किलर सब्जेक्ट इज ऑड इज 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 ऑर्डिट रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग योर मार्क्शीट ऑलवेज कहीं ना कहीं शायद हम गलत जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं हम सही भी जा रहे होते हैं बट मे बी दोस्त थ्री आवर्स यू नो वी मे नॉट बी स्पेंडिंग इट इन करेक्ट माइनर और मे बी द लास्ट वन पॉइंट फाइव डेज शायद हम करेक्ट माइनर में स्पेंड नहीं कर रहे हैं एंड ये स्टूडेंट ने जो फीडबैक लिखा है मेरे लिए आई वॉज रियली ट एंड मूव बिकॉज द स्टूडेंट वॉज स्ट्रगलिंग टू क्लियर ऑडिट अर्यर

आप कर सकते हैं एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अमाउंट बिकॉज़ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं या यू नो फाइनेंशियल कहीं और मनी आपने लगाया हो देन देन इट ओके इन दैट केस आप वगैरह पे कनेक्टेड रहिए न्यू सिलेबस के अंदर योर ऑडिट सब्जेक्ट ओके कनेक्टेड विद मी बेटा विध यू जितने बच्चे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनको पता है कोई ना कोई तरीके से हम जरूर कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट